तो चार्ज का टॉपिक तो हमारा फिनिश हो गया था और कूलम्स लॉ में भी काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। तो आज कोशिश करेंगे कि इसे फिनिश कर दें हम लोग, ठीक है। चलो पहले मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, आप मुझे करके दिखाएंगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग। प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, एक्स एक्स एक्स, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपको बताना है कि सी वाले पॉइंट पर कितना फोर्स काम करेगा, ठीक है। चलिए ट्राई करिए, ये है प्रॉब्लम आपके सामने। सी पॉइंट पर कितना फोर्स काम करेगा? हो गया। थोड़ा उधर जा बेटा, क्या बना भाई आंसर? किस पर निकालना है? सी पर। तो ये प्लस वाला इस माइनस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस वाला इस माइनस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और दोनों का फोर्स कैसा होगा? क्योंकि ये भी चार्ज क्यू है और ये भी चार्ज क्यू है और इनके बीच की डिस्टेंस है एक्स, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है और डिस्टेंस है एक्स, तो फोर्स हो गए हमारे सेम, हो गए फोर्स सेम। ओके, ये पूरा एंगल कितना है अपने पास में? 60 होता है ना, 60। तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? बीच में। और जब दो सेम फोर्स के बीच में 60 डिग्री का एंगल बनता है तो रिजल्टेंट की वैल्यू होती है अंडर रूट 3F, ठीक है। सो
रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री टाइम्स ऑफ एफ। और एफ कैसे निकालोगे आप, एफ एफ निकालोगे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के बीच में एफ, इन दोनों के बीच में एफ है ना, चार्ज क्यू, चार्ज क्यू कितना हो गया और डिस्टेंस कितनी हो गई, यही आया आ गया, बाकी सभी लोगों का सबका बन गया। तो करें स्टार्ट क्लास, ठीक है। कल लास्ट बता दीजिए क्या था हमारे पास में, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये हो गया ना, लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, देख लीजिए, उसके बाद में फिर और क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी पूरी हो गई है हमारी फोर्स से, जितने भी फोर्स के क्वेश्चन थे वो सब हो गए हैं डिस्कस हमारे, अब यहाँ आते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर है ना पीछे के क्वेश्चन सारे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, पक्का, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन हम बनाते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। टू इक्वली चार्ज पिच बॉल्स कैरिंग अ चार्ज क्यू, ईच आर सस्पेंडेड बाय टू थ्रेड ऑफ इक्वल लेंथ एल, ईच फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, व्हेन द सिस्टम इज टेकन इनटू फ्री स्पेस, व्हाट इज द टेंशन एंड एंगल बिटवीन टू पिच बॉल्स, ठीक है। नोट करना है क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो, दो मिनट का समय है आपके पास में, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। हिताक्षी अपनी कॉपी से ना एक पेपर निकाल दो और पेपर निकाल के उस पर व्हाट्सएप नंबर लिख दो अपना, तुम्हारा गर्ल्स का एक अलग ग्रुप बना देंगे, बॉयज़ का एक अलग ग्रुप बना देंगे, ठीक है। और आगे पेज पास कर दो आगे, और उधर पीछे से सुवेल एक पेपर निकाल दो अपनी कॉपी से और नंबर लिखना स्टार्ट करो, अपने पेरेंट्स का नंबर देना आप लोग, ठीक है, जिससे कि आप लोग कनेक्ट रहें उससे, मदर का या फादर का नंबर, सिर्फ क्वेश्चंस भेजना है आप लोगों को, ठीक है। हो गया, जल्दी से नोट कर लो, फिर क्वेश्चन आंसर बताते हैं आपको। चल देखो, देखो ये हमारा ना लास्ट क्वेश्चन है, यहां से फिर हम अब दूसरे क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा ध्यान देना भाई आप लोग अच्छे से किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आवाज नहीं करनी है, ध्यान दीजिए। यहां पर ये हमें दिया गया है एक सरफेस, कॉमन सरफेस, और ये है एक कॉमन पॉइंट। भाई आवाज मत करो, बोल कौन रहा है। यहां से हमने दो थ्रेड को इस तरीके से सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। एक थ्रेड के साथ हमने यहां पर एक बॉडी को लगा दिया है जिस पर चार्ज है प्लस क्यू, और यहां हमने एक दूसरी बॉडी को लगाया है जिसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू। समझ आ रही बात आप लोगों को, ठीक है। इनकी जो लेंथ आप लोगों को दे रखी है, ये लेंथ भी L है और ये लेंथ भी आप लोगों को दे रखी है L, ठीक। ये कंडीशन है हमारे पास में। अच्छा भैया, ये वाला जो एंगल है ये हम लोगों ने लेट कर दिया है कि ये एंगल है थीटा, कितना है, हाइपोटेनियस है आपके पास में L, ये वाला एंगल है थीटा, तो देखते हैं कि ये सेपरेशन कितनी हो जाएगी आपके पास में। ये देखो, ये तो हो गई हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेटा ये वाली वैल्यू निकल जाएगी हमारी एल साइन थीटा, कितनी निकलेगी,
बताओ समझ में आया नहीं आया, बता देना मुझे, जहां परेशानी होगी, जहां समझ नहीं आएगा दोबारा से बता देंगे आप लोगों को। ये समझ गए हो एल साइन थीटा कहां से आया? ठीक है, अगर ये एल साइन थीटा है तो डेफिनेटली ये भी कितना होगा, क्योंकि ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, और ये निकल गया अपने पास में एल साइन थीटा। ठीक है, ये भी एल साइन थीटा, ये भी एल साइन थीटा। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? ओके नेक्स्ट। भाई हम लोगों ने लेट किया कि इस बॉल का जो मास है वो एम है, अगर बॉल का मास एम है तो जस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होगा एम जी, काम करेगा एम जी हमेशा। हर बॉडी की वजह से एक फोर्स नीचे की तरफ काम करता है, मास इंटू ग्रेविटी। ये कैसा चार्ज है? प्लस। ये कैसा चार्ज है? डेफिनेटली ये वाला प्लस इस वाले प्लस को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये कर दिया रिपेल इस डायरेक्शन में, और इस फोर्स की वैल्यू है 1/4πε0। ठीक है, देखो इस प्लस ने इस प्लस को रिपेल किया इस तरफ, और इस प्लस ने इस प्लस को रिपेल किया इस तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बस इतना ही काम है यहाँ पर, और इससे अलावा कोई काम नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिर्फ इतना काम है कि इस प्लस ने इस प्लस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। बताओ Q इंटू क्यू कितना हो गया? इनके बीच की सेपरेशन कितनी हो गई? 12 साइन थीटा का। बताओ समझ में आया नहीं है? इनके बीच की सेपरेशन हो गई 12 साइन थीटा। कोई परेशानी किसी को? ठीक है, अब आप एक बात देखिए बेटा, जो टेंशन काम करती है ना थ्रेड के अंदर, वो अलोंग द थ्रेड काम करती है, अलोंग द थ्रेड। ठीक है, और उस पॉइंट की तरफ जहां से आपने उसे बांध के रखा हुआ है, थ्रेड को कहां से बांध के रखा हुआ है? थ्रेड को आपने यहां से बांध के रखा हुआ है, तो टेंशन काम करेगी इस डायरेक्शन में, काम कर रही है टेंशन इस डायरेक्शन में। अच्छा, उसके बाद देखो, अगर ये टेंशन टी है, अगर ये टेंशन टी है, अगर ये टी है, ये एंगल कितना है? थीटा। अब कई बार 9th-10th में आप लोग पढ़ते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। ऑल्टरनेट एंगल होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, ऑल्टरनेट एंगल। ये क्या है? टी। ये क्या है? थीटा। इस डायरेक्शन में क्या जाएगा? टी कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में क्या जाएगा? अब आप मुझे ये बताइए कि टी साइन थीटा किसे बैलेंस करेगा? टी साइन थीटा बैलेंस करेगा इसे, और टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा इसे, करेगा या नहीं करेगा? कोई परेशानी है किसी को? अपोजिट फोर्सेस को आपस में इक्वल रखो। ठीक है, हम कहेंगे टी साइन थीटा ने बैलेंस कर लिया है 1/4πε0 क्यू स्क्वायर 4l² साइन स्क्वायर थीटा को, और टी कॉस थीटा ने किसे बैलेंस कर लिया है? टी कॉस थीटा ने बैलेंस कर लिया है मास इंटू ग्रेविटी को। ठीक है बेटा, हमने इसे नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1, और हमने इसे नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 2। जब मैंने पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड किया, तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से मैंने डिवाइड किया, टी से टी कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन गया? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन चुका है टेन थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, अच्छा ये पूरी वैल्यू जो है ना, ठीक है ये इतनी बड़ी वैल्यू है, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में एफ भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? और बाद में जब हमारा पूरा आंसर सॉल्व हो जाएगा, एफ की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। ठीक है, इतने लंबे लंबे स्टेप कौन लिखेगा? ये एफ है, ये mg है, हमने f को mg से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास में f अपॉन mg, सो फोर्स इज इक्वल टू mg tan थीटा। बताइए समझ में आया या नहीं आया? पीछे आ गया बाकी सभी लोगों को? बड़ी जल्दी आ गया यार समझ में, सच में आ गया सबको? आ गया, बहुत बढ़िया, तुम्हें तो रिवीजन की जरूरत ही नहीं है यार। फोर्स इज इक्वल टू mg tan थीटा, तो फोर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास में? ये इसके इक्वल रख देते हैं, क्या बनेगी कंडीशन अपने पास में? 1/4πε0 क्यू स्क्वायर 4l² साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा। अरे समझ आया नहीं आया? अब जो भी आप लोगों को यहां से निकालना है वो आप निकाल सकते हैं, इन दोनों को इक्वल रख के। एंगल निकालना होगा एंगल निकाल देंगे, चार्ज निकालना होगा चार्ज निकाल देंगे, लेंथ निकालनी होगी लेंथ निकाल देंगे, जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा होगा इन दोनों को आपस में इक्वल रखे हम यहाँ से फाइंड आउट कर देंगे। बताइए आप लोग क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे जल्दी बताइए भाई, पक्का कर लीजिए नोट, जल्दी से करिएगा।
ओके चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया, एनसीईआरटी हमारी फिनिश हो गई, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन फिनिश हो गए। अब मैं और सवाल आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ, ठीक है। उसमें थोड़े से क्वेश्चन ग्राफ के भी हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम में ना ग्राफ के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हम लोगों से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा उम्मीद ये करेंगे कि फोर्स का काम फिनिश हो जाए, फोर्स का काम हमारा पूरी तरीके से खत्म हो जाए और फोर्स का क्वेश्चन आपका गलत ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। रफ कर दूं? गुड। चलो भैया क्वेश्चन दिख रहा है, छोटा तो नहीं हो रहा, दिख रहा है सभी को? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मतलब बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन जिसे बोलते हैं वो है। और आप अच्छे से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे हम क्या रिजल्ट इसके अंदर निकालेंगे और क्या हम लोगों से पूछा गया है, ठीक है। मास्क लगाइए सर, मास्क लगाओ। देखो क्या गिवन दिया है हम लोगों को, टू स्मॉल आइडेंटिकल मेटल स्पेयर्स हैविंग, देखो यार एक बहुत बढ़िया पॉइंट हमें पता चला, वो क्या है? अनइक्वल चार्ज। एक पर मानेंगे Q1 तो दूसरे पर मानेंगे Q2, इक्वल नहीं मानना है हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कौन से चार्ज करते हैं, जो एक कैसा होता है पॉजिटिव, एक कैसा होता है, तो एक को अगर हमने प्लस Q1 माना तो डेफिनेटली दूसरे को माइनस के Q2 मानना पड़ेगा। समझ में आ रही सभी लोगों को बात? उसके बाद देखिए, विद ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.18 न्यूटन, वैन देयर सेंटर्स आर 50 सेंटीमीटर अपार्ट, द स्पेयर्स आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट एंड देन सेपरेटेड बैक टू द इनिशियल पोजिशन। अब उन्होंने रिपेल करना स्टार्ट कर दिया, फाइंड द इनिशियल चार्ज ऑन देम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बढ़िया परफेक्ट प्रॉब्लम है, अगर पेपर का लेवल राइज हुआ तो इस तरीके का क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। अब मैं बताना स्टार्ट करूँ, बीच में समय मिलेगा तो लिख लेना आप लोग क्वेश्चन, जरा ध्यान दो आप लोग अच्छे से बिल्कुल। देखो बेटा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास में एक स्पेयर है और इसका चार्ज है प्लस Q1, कितना है? ओके गुड, यहां बनाते हैं यार, ये रहा इसका चार्ज है प्लस Q1, ये दूसरा स्पेयर है और इसका चार्ज है माइनस के Q2, इनके बीच की सेपरेशन दे रखी है 50 सेंटीमीटर और इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो काम कर रहा है 0.18 न्यूटन, ठीक है। क्लियर है ना सभी लोगों को? सबसे पहले हम पहली जो हमें ये इनिशियल कंडीशन में सिचुएशन गिवन है, हम इस पर इक्वेशन अप्लाई करते हैं और अपना कुछ रिजल्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो भाई फोर्स का फॉर्मूला होता है अपने पास में 9 × 10⁻¹, एक चार्ज कितना है Q1, कितना है दूसरा चार्ज कितना है, माइनस नहीं लेना है, आप जानते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए माइनस आपको नहीं लेना होता है। एक हो गया Q1, दूसरा हो गया Q2, इनके बीच की सेपरेशन है 50 × 10⁻²² का होल स्क्वायर और फोर्स आपको दे रखा है 0.18 न्यूटन। बताओ समझ में आया नहीं आया? ये इनिशियल सिचुएशन है हमारे पास में, अभी तक हमने कोई बहुत ज्यादा काम इसके अंदर नहीं किया है, ठीक है। सो क्या रिजल्ट हम लोगों को यहां से मिलने वाला है, हमें यहां से मिलने वाला है Q1 × Q2। बताइए Q1 × Q2 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहां से, Q1 × Q2 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहां से, Q1 × Q2 इज इक्वल टू 0.18। अरे ठीक है भाई, 50 का क्या है, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 × 10⁻⁴ एंड डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻¹। बताइए जल्दी से, समझ आया नहीं आया? ठीक है, 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 आएगा ना, 0.2, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, Q1 × Q2 इज इक्वल टू, अच्छा भाई ये दो जीरो यहां पर है, ये 10⁻⁴ है, ये दो जीरो से ये 10⁻²² बन जाएगा -2, ये 10⁻⁹ ऊपर पहुंचेगा, हमारे पास में है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 25 × 10⁻⁻¹। अरे क्लियर है भाई, जल्दी बताओ यार, कोई परेशानी है तो। हाँ भाई 0.02 आएगा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, 0.02, ठीक है। सो 0.02 इधर भी कर देता हूं मैं, जीरो पॉइंट जीरो टू, ठीक है, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 25 और क्या है हमारे पास में 10⁻⁻¹, क्लियर, एनी प्रॉब्लम? चलिए
बढ़े आगे, बताओ क्या कंडीशन बनेगी हमारे पास में, Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू, ये बन गया 2 इंटू 25 इंटू 10 की पावर माइनस के 13, बना ना। और अभी से हम लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 कूलम। भाई जल्दी से मुझे देखकर बता दो कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पीहू आगे समझ में, कैसे किया हमने अभी तक, हमें क्या गिवन दिया था कि दो चार्ज दे रखे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, अनइक्वल चार्ज हैं और इनके बीच में इतना फोर्स काम कर रहा है, तो Q1 Q2 हमें गिवन नहीं था, तो हमने पहली इक्वेशन बना दी Q1 Q2 की। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए यहाँ तक मुझे, नहीं है ना। अब देखो उसने क्या कहा हमें, सेकेंड सिचुएशन में ये कहा कि हमने इन दोनों चार्ज को उठाया, आपस में कॉन्टैक्ट में रखा और फिर वहीं ले जाकर रख दिया। वो कल कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन याद है आप लोगों को, हम क्या कर रहे थे कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन के लिए, दोनों के चार्ज को ऐड करते थे और 2 से डिवाइड करते थे, करते थे या नहीं करते थे, बताइए इसका चार्ज कितना है, इसका कितना है, करो ऐड, Q1 माइनस Q2 आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना चार्ज बन जाएगा, यहां पर यहां बन जाएगा Q1 माइनस के Q2 डिवाइडेड बाय 2, और यहां भी कितना बन जाएगा Q1 माइनस के Q2 डिवाइडेड बाय 2, और इनके बीच की सेपरेशन अभी भी वही है 50 सेंटीमीटर। अरे बताओ समझ आया नहीं है, आ गया पक्का, कैसे आया Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2, हमने दोनों को उठाया, टच कराया और फिर वहीं रख दिया दोबारा से। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनेगी अब हमारे पास में, इक्वेशन बनेगी फोर्स इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, बताइए एक चार्ज कितना है हमारे पास में, Q1 माइनस के Q2 डिवाइडेड बाय 2, साथ में क्या है दूसरा, Q1 माइनस के Q2 डिवाइडेड बाय 2। बेटा हम कूलम्स लॉ लगा रहे हैं, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये एक चार्ज, ये दूसरा चार्ज, और इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, इनके बीच की सेपरेशन है 50 × 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, एनी प्रॉब्लम, ओके। अब मुझे ये बताइए कि फोर्स की वैल्यू क्या गिवन दे रखी है आप लोगों को, 0.144, यही है ना। चलो इसकी मल्टीप्लाई यहां करो, क्या आएगा, Q1 माइनस Q2 का डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, बाकी सबको उधर ले जाओ, बाकी सबको उधर ले जाओ, 0.144 इसका स्क्वायर करेंगे 2500 × 10 की पावर माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाय, ये भी इसके अपॉन में आ गया, 9 × 10 की पावर 9। बताइए समझ में आया नहीं आया, इसे यहाँ से यहाँ ले गए, ले गए इसे यहाँ से यहाँ, और इसको इसके अपॉन में लेकर आ गए, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, अरे 4 था भाई, इस 4 को यहाँ ले गए। ठीक है, हमने सिर्फ इधर छोड़ दिया Q1 माइनस Q2 के होल स्क्वायर को, बाकी सबको हम यहाँ से उधर ले गए। करिए कैलकुलेशन और देखिए कि क्या रिजल्ट हमारे पास में बनेगा, Q1 माइनस के Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। तो भैया देखते हैं कि क्या बनने वाला है, थोड़ा आसान करते हैं यार कैलकुलेशन को, इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन कौन करेगा, ये पॉइंट यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाते हैं, ठीक है, ये बन गया 144, ठीक, और पॉइंट यहाँ ले जाएंगे तो 10 की पावर -3, 10 की पावर माइनस 3 से ये 10 की पावर 2 कैंसिल आउट, 10 की पावर माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 और माइनस 4 ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 5, साथ में है हमारे पास में 25, साथ में है 4, अपॉन में है 9 और नीचे है 10 की पावर माइनस के 9, 9 ऊपर आकर बन जाएगा 10 की पावर -9। कैलकुलेशन की और कुछ नहीं किया, सिंपल। ये बताओ अगर मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, इधर लग जाएगा अंडर रूट, अरे लगेगा या नहीं लगेगा, चलो बताओ क्या वैल्यू आएगी हमारे पास में, Q1 माइनस Q2, 144 का अंडर रूट 12, 25 का अंडर रूट 5, 4 का अंडर रूट 2, 9 का अंडर रूट 3, आया या नहीं आया, 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 9, माइनस 14 हो गया, माइनस 14, माइनस 14 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 10 की पावर माइनस आ गया, 10 की पावर -7, 3 से हमने इसे डिवाइड किया तो कितना आ गया, 4, 4 इंटू 5 20, और 20 की 2 में करेंगे 40, और 40 × 10 की पावर -7 यानी 4 × 10 की पावर -6 कूलम। अब हमारे पास में रिजल्ट आ चुका है, सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए 4 × 10 की पावर -6, ठीक है, घटाने पर इतना आना चाहिए,
और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 5 × 10⁻¹². अरे ऐसे सवाल तो बहुत सारे करे आप लोगों ने 10th क्लास में, दो नंबर दे दिए माइनस करने पर इतना है, मल्टीप्लाई करने पर इतना है। हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व करते करते हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, हमें कहा गया कि Q1 − Q2 = कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। अरे भाई समझ रहे हो, Q1 − Q2 इतना आना चाहिए और Q1 × Q2 आपके पास में इतना आना चाहिए। ठीक है, क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, जल्दी से बता दो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। हालांकि होनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत बेसिक बात है, एक बार यहाँ इक्वेशन लगाई, एक बार यहाँ इक्वेशन लगाई, एक स्टेप आएगा उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नोट कर लीजिए यहाँ तक। यार अभी तो मैं पूछ रहा था किसी को कोई प्रॉब्लम है तो तुम कह रहे थे कि बैठ चुपचाप बैठे हो। पूछ अब बता। रिपेल नहीं अट्रैक्ट कर रहे थे भाई, हाँ तो फिर अब रिपेल कर रहे हैं, ऐसे हो सकता क्यों नहीं हो सकता है। जैसे मान लो एक बॉडी पर चार्ज कितना है -4 और एक बॉडी पर कितना है +8 स्टार्टिंग में, तो माइनस और प्लस क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब इन दोनों को टच में लेकर आओ, -4 और 8 को जोड़ो आपस में, -4 को और 8 को ऐड करके कितना आएगा +4 और 2 से डिवाइड करो कितना आ गया, इस पर भी +2 उस पर भी +2, तो ++ क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल। जब हमने दोनों को टच कराकर वहीं रख दिया है ना तो दोनों पर सेम काइंड चार्ज आ गया है, सेम तरीके का चार्ज आ गया है दोनों पर, क्या तो पॉजिटिव आ गया है या दोनों पर नेगेटिव आ गया है, और लाइक चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नहीं समझे अभी तक भी, समझ गए हो। तो मल्टीप्लाई करने पर इतना है और सब्ट्रैक्ट करने पर इतना है, कर सकते हो इसके आगे प्रॉब्लम सात्विक, कर पाओगे, कैसे करोगे बताओ। कहाँ 10⁻¹², दिक्कत नहीं बनाएगा हमारे लिए, 10⁻¹² बहुत ज्यादा है तो प्रॉब्लम नहीं होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो कर लिया हो नोट, तो मैं आगे बढ़ता हूं, ये वाला पोर्शन कर लिया, चलो मैं यही बता देता हूँ, सुनो जरा ध्यान से। ये बताइए Q1 × Q2 कितना है आपके पास में, 5 × 10⁻¹ और Q1 − Q2 कितना है जल्दी बताओ, 4 × 10⁻¹। अरे है या नहीं है। ठीक है, अब देखो हम क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से। हमारे पास में ना एक फॉर्मूला होता है, Q1 + Q2 = Q1 − Q2 + 4Q1 Q2। ठीक है, ये सिंपल सी एक इक्वेशन है जो हमें 9th-10th क्लास के अंदर सिखाई जाती है। ठीक है, अगर तुम ऐसे भी नहीं करना चाह रहे हो, ऐसे भी नहीं करना है तो फिर उसका एक ही तरीका है कि जो तुम्हें ये जो 10⁻¹² और 10⁻¹ दिख रही है ना, इसे हटाकर करना पड़ेगा, इसे यहां से हटाकर तब तुम लोगों को काम करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे, अगर मैं इन्हें हटा दूं तो ये आ गया 5 और ये कितना आ गया, मल्टीप्लाई करने पर कितना है और माइनस करने पर कितना है, तो 5 − 1 कितना होगा 4 और 5 × 1 कितना होगा 5। अरे होगा या नहीं होगा, यानी एक चार्ज मेरे पास में कितना आ जाएगा 5 μC और दूसरा चार्ज कितना जाएगा मेरे पास में 1 μC। बताओ समझ में आया नहीं है। देखो भाई ऐसा है, आपने दो इक्वेशन बना ली, आप 10⁻⁶ को हटा दो यहाँ से, आप सिर्फ नंबर पर ध्यान दो, तो मल्टीप्लाई करने पर 5 आए और माइनस करने पर 4 आए। सोचो यार थोड़ा सा, इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। मल्टीप्लाई करने पर 5 और माइनस करने पर 4, तो अगर हम लोग 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ गया 5 आ गया, और 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 4 आ गया। तो एक चार्ज तो हो गया हमारे पास में 5, दूसरा चार्ज क्या हो गया हमारे पास में 1। वो जो 10⁻⁶ हमने पीछे से हटाया था, 10⁻−6, उस 10⁻−6 को हम क्या कहेंगे माइक्रो, क्या कहेंगे, तो मैंने यहाँ लगा दिया माइक्रो। ठीक है, अभी भी नहीं आया क्या समझ में, पक्का। तो एक चार्ज कितना रहेगा 5 μC, एक कितना रहेगा 1 μC। अनुष्का समझ में आ गया, बाकी इधर सबको आ गया, ठीक है, पीछे क्लियर है ना। ठीक है, गुड।
हो गया? कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, तो क्वेश्चंस की ना प्रैक्टिस बढ़ानी है भाई आप लोगों को, जितना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बनाएंगे उतना अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे इसमें काम। ठीक है, लिमिटेशंस वगैरह याद है ना अच्छे तरीके से? क्या लिमिटेशंस हमने आप लोगों को बताई थी? एयर में फोर्स कम होता है और मीडियम में फोर्स क्या होता है? ज़्यादा। लिमिटेशंस वगैरह हम आप लोगों को इसकी बता चुके हैं। ठीक है, चलिए बस बात मत करिए और यहाँ देखिए ध्यान से, पढ़ने में आ रहा है? क्या है क्वेश्चन जरा बताइए। द सम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस इज 6 माइक्रोकुलम, यानी दो चार्जेस का जो सम आपको दिया है वह है 6 माइक्रोकुलम। हो गया 6 माइक्रोकुलम। दे अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ दिस, अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट, एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा कैसा है? नेगेटिव है। ठीक है, और वो कितने सेपरेशन पर हैं? 40 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर हैं। तो आपको चार्जेस की वैल्यू बतानी है, एक चार्ज कितना होगा, दूसरा चार्ज कितना होगा। मेरे हिसाब से बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, समझ में आ रही बात? उसमें थोड़ा लंबा था, इसमें इतना काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। Q1 प्लस Q2 हम लोगों को ऑलरेडी गिवन दे रखा है। हमने माना कि एक बॉडी का चार्ज हो गया Q1, दूसरी बॉडी का चार्ज हो गया माइनस के Q2, इनके बीच की सेपरेशन है 40 सेंटीमीटर। चलिए बताइए कि इनके बीच का फोर्स हम कैसे निकालेंगे। 9 × 10⁻⁹, एक चार्ज कितना है? Q1, दूसरा चार्ज कितना है? भले ही माइनस में हो लेकिन फॉर्मूले में माइनस आप लोगों को नहीं लेना है। ठीक है, सिर्फ चार्ज को ऐड करते समय माइनस लेना है आप लोगों को, फोर्स के फॉर्मूले में माइनस नहीं लेना है। फोर्स की वैल्यू आपको दे रखी है 0.9, फोर्स की वैल्यू क्या दे रखी है आप लोगों को? 0.9, और उनके बीच की सेपरेशन कितनी है? 40 सेंटीमीटर। पहले मीटर में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने और ये बन गया। आया सभी लोगों को समझ में? चलिए बताइए कि Q1 इंटू Q2 कितना आने वाला है हमारे पास में? Q1 इंटू Q2 इसका स्क्वायर करेंगे 1600 × 10⁴। यह है अपने पास में 0.9। ठीक है, और यहाँ से ये चला जाएगा इसके अपॉन में, यानी 9 × 10⁹। क्लियर? ठीक है, तो कितना आएगा सॉल्व करके? 0.1। ठीक है, कितना आया भाई सॉल्व करके बच्चों, बताओ जरा? ये बन गया हमारे पास में 16 × 10⁻¹². सही है? अरे यही आएगा यार, तुम्हारे मुंह से जवान क्यों नहीं निकलती बाहर? यही आएगा 16 × 10⁻¹² कूलम, यानी एडिशन करने पर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 16 देख लो एक बार, कोई गलती वलती ना हो। चल बन सकते हैं, कोई फैक्टर वैक्टर बन रहे हैं? द सम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस इज दिस, दे अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.9। ठीक है, तो क्या बनेगा भाई रिजल्ट बताओ, कोई बनेगा रिजल्ट? ऐड करके आना चाहिए ना 6। हाँ माइनस चल जाएगा, माइनस चल जाएगा बिल्कुल। 8 और माइनस 2 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 8 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 16। सॉल्व आप ऐसे कर सकते हैं, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 6 एंड Q1 इंटू Q2 इज इक्वल टू 16। सॉल्व कैसे करोगे? ऊपर वाले से Q1 की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी ऊपर वाले से Q1 की वैल्यू? 6 − Q2 यहां पुट कर दो। 10th क्लास में ऐसे खूब सवाल बनाए होंगे तुम लोगों ने, 6 − Q2 × Q2 = 16। ठीक है, सो 6Q2 − Q2² = 16, Q2² − 6Q2 + 16 = 0। लो भैया बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए 16। समझ में आ रही बात आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम है किसी को? यही बनेगा ना हमारे पास में रिजल्ट, Q2² − 6Q2 + 16 = 0। फैक्टर कर देंगे आप लोग, रिजल्ट मिल जाएगा, एक चार्ज मिल जाएगा और दूसरा चार्ज आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बताओ जल्दी से आया नहीं आया समझ में? आ गया, तो आंसर वही बैठेगा, Q1 हो जाएगा 8 और Q2 हो जाएगा -2। ठीक है,
जल्दी से करिए फटाफट। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, हमने इस तरीके का सवाल आप लोगों को एक बता दिया है, फिर अपने आप ट्राई करिएगा आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो भाई प्रॉब्लम क्या है बच्चों, पहले ये बताओ कि क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो सभी लोग, क्या है प्रॉब्लम जरा देखो। टू सिमिलर वॉल ईच हैविंग मास स्मॉल एम एंड चार्ज क्यू आर हैंग फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ एल, ईच प्रूव दैट द इक्विलिब्रियम सेपरेशन एक्स इज गिवन बाय, ठीक है, व्हेन ईच थ्रेड मेक्स अ स्मॉल एंगल थीटा विद द वर्टिकल। अब आज की क्लास में आते ही जो सबसे पहला सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया था वो थ्रेड वाला, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। हल्की सी सिचुएशन बदल गई है कि आप लोगों से यहाँ क्या पूछा है, तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पे एक और बार बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा भाई। ये तो हो गई अपने पास में रिजिड सपोर्ट, ठीक, यहाँ से दो थ्रेड ले लिए हम लोगों ने ऐसे, एक बॉल है मेरे पास में यहाँ पर, एक बॉल है मेरे पास में यहाँ पर, इस बॉल का जो चार्ज है वो भी प्लस क्यू है, प्लस क्यू, और इसका जो चार्ज है वो भी प्लस क्यू है। मान लेते हैं कि इनके बीच की जो सेपरेशन है वो एक्स है, और यहाँ से एक लाइन हम लोगों ने कुछ ऐसे मिला दी, यह है थीटा, ठीक है, समझ आ रही है इतनी बात सभी लोगों को, ये हमें गिवन दिया है, आप ये समझ लीजिए। अब मुझे ये बताइए कि इस पर कैसा चार्ज है, प्लस, और इस पर भी कैसा चार्ज है, प्लस। बताओ ये वाला प्लस इस प्लस को किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में, और ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। लो भाई मैं फिर पहले भी मैंने आप लोगों से कहा था कि बस इतनी ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसके अंदर, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। बताओ इस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ जल्दी से इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, चार्ज क्यू, चार्ज कितना है क्यू, और इनके बीच का गैप कितना है, कितना होगा फोर्स कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, 1/4πε0q² / x², क्लियर, कोई परेशानी, ठीक है। बॉल का मास कितना दिया है आपको, बॉल का मास दिया है m, m मास की वजह से नीचे की तरफ कितना काम करेगा, mg, ओके। ये बताइए थ्रेड के अंदर जो टेंशन काम करती है वो किस तरफ काम करती है, अलोंग द थ्रेड और फिक्स पॉइंट की तरफ काम करती है, काम करेगी, अभी बताया था या नहीं बताया था, ये किसकी डायरेक्शन हो गई, टेंशन की, ओके। अब मुझे ये बताइए कि टेंशन के कंपोनेंट ब्रेक करेंगे हम लोग, ठीक है। वैशाली बताओ ये एंगल कितना होगा, अच्छा इधर क्या जाएगा, क्यों जाएगा, टी कॉस थीटा, इधर एंगल के साथ जो हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे वो टी कॉस थीटा है, और जो इधर से हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे वो कितना होगा, टी साइन थीटा। बताइए समझ में आ गई बात, आपसे कह रखा है इक्विलिब्रियम, क्या कह रखा है, इक्विलिब्रियम में अपोजिट डायरेक्शन में काम करने वाले फोर्सेस बराबर होंगे, ये वाला बैलेंस कर लेगा इसे और ये वाला बैलेंस कर लेगा इसे, ठीक है। तो हमारे पास में जो सिचुएशन आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू फोर्स, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। मतलब मैंने फोर्स की पूरी वैल्यू यहां नहीं रखी है, मैंने सिर्फ फोर्स दिखा दिया। अब क्या करना चाहिए हम लोगों को, देखो ऊपर क्या है, यहां पर टी और यहां पर भी क्या है, मुझे इस टी को यहां से हटाना है, इस टी को यहां से एलिमिनेट करना है, तो क्या करना चाहिए मुझे, इसे मान लो पहली इक्वेशन, इसे मान लो दूसरी इक्वेशन, और पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर दो, करें डिवाइड, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो टी से टी कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अरे समझे, इधर क्या है अपने पास में एफ और अपॉन में क्या है, सो फोर्स इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा, क्लियर। अब बताइए फोर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास में, फोर्स की वैल्यू हमारे पास में ये है, अरे है या नहीं है, रखो फोर्स की जगह ये क्या बनेगा, 1/4πε0q² / x² इज इक्वल टू एम जी, और साथ में क्या है, क्या है, देखो टेन थीटा कैसे निकालेंगे, मुझे ये बताओ ये पूरी डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है x, ये आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x बाय टू, बताओ होगी या नहीं होगी, कोई परेशानी है किसी को तो बता दो, नहीं है पक्का, समझ आ गई बात, ठीक है गुड। सो
टेन थीटा है तो नहीं ना इसके अंदर, नहीं टेन थीटा नहीं है। सो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। हमें निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है अपने पास में, अगर ये एंगल थीटा है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये साइड हमें दे रखी है एल, क्या दे रखी है, तो ये साइड कितनी निकलेगी अपने पास में, ये वाली पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी या नहीं निकलेगी, अरे निकलेगी या नहीं निकलेगी यार। और टेन थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, टेन थीटा की जगह हम पुट कर देंगे परपेंडिकुलर अपॉन जो भी उसका बेस रहेगा, ये बेस। पाइथागोरस थ्योरम से आपको ये पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ट्राइंगल से मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये लेंथ आपको एल दे रखी है, ये लेंथ है एक्स बाय टू, ये एंगल है 90 डिग्री, इसे मैंने नाम दिया है बेस का, ठीक है। निकलेगा या नहीं निकलेगा यहाँ से बेस, उसे उठाकर यहाँ पुट करना है और x की वैल्यू आप लोगों को यहाँ से फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बताइए, निकलेगा या नहीं निकलेगा, समझे या नहीं समझे। क्वेश्चन कंप्लीट करिए और मुझे x की वैल्यू बताइए कितनी होगी। दूसरी बार बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो परेशानी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। क्वेश्चन में एक छोटा सा टर्म मिसिंग है, वो लिख लीजिएगा आप हम लोग अपनी कॉपी के अंदर। L इज ग्रेटर देन ऑफ x, L की वैल्यू x से बड़ी है। तो जब पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ अप्लाई करोगे ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो बेस कितना निकल कर आएगा मुझे ये बताइए। बेस आपका निकल कर आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय, उल्टा लिख दिया मैंने सॉरी, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय फोर। आएगा या नहीं आएगा, मैंने क्या कहा कौन बड़ा है, एल किससे बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो एक्स को नेग्लिजिबल मान लेंगे यहां से, क्या मान लेंगे नेग्लिजिबल मानकर जब इसे यहां से हटाएंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बेस की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हमारे एल के ही इक्वल आ जाएगी, किसके इक्वल आ जाएगी। और हमारे पास में बेस की वैल्यू अगर एल के ही इक्वल आ गई तो भाई ये बन जाएगा अपने पास में यहां पर L, क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर पहुंच जाएगा x के साथ, x की पावर 3 बन जाएगा और बाकी पूरा तामझाम आ जाएगा हमारा इधर, ठीक है। बताओ क्या आंसर बनेगा, देखो ये 2 से ये 4 कैंसिल आउट तो ये 2 आ गया, आया या नहीं आया, ये एक्स स्क्वायर पहुंच गया x के साथ, ये एम जी आ जाएंगे अपॉन में, ये एल पहुंच जाएगा यहां, तो ये बनेगा क्यू स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में है mg, यह है x की पावर 3, x के ऊपर से 3 हटाएंगे और इधर लगाएंगे हम लोग क्यूब रूट कुछ ऐसे, ये निकल गई हमारी x की वैल्यू, यही प्रूफ करना होगा हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर ये मिसिंग था, ये नोट कर लीजिएगा आप अपनी कॉपी के अंदर। लेंथ x के कंपैरिजन में बड़ी है, इसीलिए हमने यहाँ बेस निकालते समय x को नेग्लिजिबल माना है, ठीक है। आगे समझ में,
कोई परेशानी है तो आप हमें बताइए, बोलो। हाँ ये समझ नहीं आई है। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो ना, मैं लगा के दिखाता हूँ कैसे बनेगी। हाइपोटेनियस कितना है एल, ये बी है, और ये कितना है एक्स बाय टू। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय फोर, बन गया। अब देखो उसने कहा कि एल एक्स से बहुत बड़ा है, तो ये तो ऐसे हो गया जैसे एल तो लाखों की बात हो रही है और एक्स बात हो रही है पॉइंट्स में। तो अगर एल तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है, 10^6, 10^7, 10^8, और एक्स हमारा पॉइंट में है, तो 10^6 के कंपैरिजन में वो 10^-1, -2, -3 वो तो बहुत छोटा होगा। तो हमने इस पूरे टर्म को नेग्लिजिबल मान लिया, जीरो के बराबर रख दिया। इधर से स्क्वायर हटाया, इधर से स्क्वायर हट गया, तो बी हमारा अप्रोक्सीमेटली, एक्यूरेट नहीं, अप्रोक्सीमेटली एल के इक्वल आ गया। टेन थीटा को हमने क्या लिखा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उस बेस की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया एल, सॉल्व किया ये निकल गई एक्स की वैल्यू। ठीक है, बताइए समझ में आया नहीं आया, सभी लोगों को आ गया पक्का, कोई परेशानी, बढ़े आ गए अब। ठीक है, पहले ये प्रॉब्लम हम लोगों को बनानी है भाई, सेकंड पार्ट देखेंगे आप। 47, ठीक है, नोट करिए फटाफट अपनी कॉपी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 47, बोर्ड में ऐसा सवाल खूब आता है यार, और पिछले 3-4 साल से ट्रेंड जो है ना वो ज्यादा बढ़ रहा है ग्राफ के क्वेश्चन पूछे जाने का। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। 46 मत देखना, ओनली 47। ओके, हो गया, बढ़े आगे। देखो आप ध्यान से जरा, हमें कहा है कि भाई ये जो फिगर आपके सामने है फोर्स और 1/r² के बीच, फोर्स और 1/r² के बीच ये जो फिगर मैंने आपके सामने बनाया है, ये जो ए है ये तो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को दिखाता है, और ये जो बी है ये दूसरे डाइलेक्ट्रिक मीडियम को दिखाता है। ए एक डाइलेक्ट्रिक को दिखाएगा और बी दूसरे डाइलेक्ट्रिक को दिखाएगा। ठीक है, तो हमें यह कहा है कि किसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। पहले आप ये देखिए कि ग्राफ है हमारा फोर्स और 1/r² के बीच, और ग्राफ बन रहे हैं हमारे सामने दो, कुछ इस तरीके के दो ग्राफ बन रहे हैं। ये ग्राफ ए मटेरियल के लिए है और ये ग्राफ बी मटेरियल के लिए है। ठीक है, अब ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। पहले ये बताइए ऐसे क्वेश्चन को, ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। वाई एक्सिस पर कौन है फोर्स, एक्स एक्सिस पर कौन है 1/r², अरे है या नहीं है। सो फोर्स अपॉन 1/r², वाई वाले एक्सिस को एक्स वाले एक्सिस से डिवाइड कर दो, कर दिया आपने डिवाइड, इसे हम कहेंगे स्लोप। क्या कहेंगे, और देखो ये स्लोप किसके इक्वल आने वाला है, आपने वाई वाले एक्सिस पर जो भी था, जो भी रहेगा, जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, एक्स वाले एक्सिस पर जो भी मौजूद है उससे आपने डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास में स्लोप। अब बताओ हमारे पास में कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलम्स लॉ है अपने पास में 1/4πε₀Q²/kr²। बेटा k का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में मीडियम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, अगर मीडियम की बात ना होती तो हम k को बिल्कुल भी यहां ना रखते, यहां मीडियम की बात हो रही है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने देखो क्या लिखा, F इज इक्वल टू 1/4πε₀, साथ में है Q स्क्वायर,
यहां है वन अपॉन आर स्क्वायर और यहां है वन अपॉन के। बिल्कुल ध्यान से देखो, ये बताओ मुझे, ये फोर्स काहे का काम कर रहा है? वाई काहे का काम कर रहा है? वन अपॉन आर स्क्वायर, पूरा का पूरा काहे का काम कर रहा है? एक्स कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर मैं इस एक्स को उठाकर वाई के अपॉन में ले जाऊं तो क्या बन जाएगा? वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन के कॉन्स्ट, इन्हें हटा दो यहां से क्योंकि सिर्फ के की बात हो रही है, के की डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की बात हो रही है। इसे मान लिया हम लोगों ने वाई, इसे मान लिया हम लोगों ने एक्स, और एक्स को इस पूरे को, इस वन अपॉन आर स्क्वायर को पूरे को हम लोगों ने एक्स माना है। एक्स को लेकर चलेगा इसके अपॉन में। वाई अपॉन एक्स को हम लोग बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप का दूसरा नाम होता है टेन थीटा। सो टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन के। इसका मतलब यह है कि जिस लाइन का एंगल ज्यादा बनेगा, जिस लाइन का एंगल ज्यादा बनेगा उसके लिए के की वैल्यू कम होगी क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जिसका एंगल कम बनेगा उसके लिए के की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। हमने इसके लिए के की वैल्यू लेट की है के ए, और इसके लिए कितनी लेट की है बताओ? किसका एंगल ज्यादा है, किसका एंगल कम है एक्स एक्सिस से, यानी यहां से ए का और बी का? तो उल्टा हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक किसका ज्यादा होगा? बी का, और ए का क्या होगा बताओ? समझ में आया नहीं? के बी शुड बी ग्रेटर देन ऑफ के, ठीक है? ये जो के बी है वो हमारा के ए से बड़ा है। क्लियर हो गई बात? हमने कैसे किया इतना ध्यान रखेगा, जो भी वाई एक्सिस पर मौजूद होगा उसे हम मानेंगे, जो भी हमारा वाई एक्सिस पर मौजूद है वो वाई कोऑर्डिनेट की तरह काम कर रहा है, जो एक्स पर मौजूद है वो एक्स की तरह काम कर रहा है, और स्लोप का फॉर्मूला होता है बेटा वाई अपॉन एक्स, और स्लोप से ही आप सारे सवाल बनाओगे ऐसी कंडीशन के अंदर। देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा बता देते हैं। हाँ लड़की, आ गया समझ में? बाकी सभी लोगों को आ गया? ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन। जिसका एंगल ज्यादा होगा उसके लिए के की वैल्यू कम, और जिसका एंगल कम होगा उसके लिए के की वैल्यू ज्यादा। एंगल किसके लिए कम है? बी के लिए। सो बी के लिए के की वैल्यू ज्यादा है और ए के लिए कम है। पार्थ, कुछ प्रॉब्लम है? पूछ लो अगर कोई प्रॉब्लम है तो भाई। तो ऑलमोस्ट काम हमारा फिनिश हो गया है, सिर्फ दो तीन ही सवाल बचे हैं इसके ऊपर। एक दो क्वेश्चन तो मैं अभी और करा देता हूं आप लोगों को। बाकी यह है कि फोर्स का काम हमारा फिनिश हो गया, एनसीईआरटी पूरी हो गई है, प्रीवियस ईयर आप लोगों के पूरे हो गए हैं। इसमें कोई डेरिवेशन थी नहीं जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो मैंने आपको कोई डेरिवेशन यहां से बताई नहीं है, ठीक है? हमने सिर्फ आप लोगों को ये बताया है कि लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ क्या है। एक ही क्वेश्चन यहां से थियोरेटिकल इंपॉर्टेंट है और वो है लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है? बाकी यह है कि हमारा कूलम्स लॉ और चार्ज का काम फिनिश हो गया। कल वो जो एक दो सवाल हमारे बचे हुए हैं कल की क्लास में, उन्हें स्टार्ट करके हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट, टॉर्क एंड वर्क डन, ये पूरा तीन चार टॉपिक का हमारा एक पूरा कंबाइंड टॉपिक है, ठीक है? बढ़ा दें आगे? सबको समझ में आ गया? पक्का? दिख रहा है? ये भी ग्राफिकल प्रॉब्लम है। ग्राफ बताओ किसके किसके बीच में है? कूलम्स फोर्स एफ और वन अपॉन आर स्क्वायर ग्राफ फोर पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 एंड Q2 Q3, ठीक है? नीचे वाला Q2 Q3 के लिए, नीचे वाला किसके लिए है? Q2 Q3 के लिए, ठीक है? आर शो इन द फिगर, Q2 इज पॉजिटिव एंड ऑफ लीस्ट मैग्नीट्यूड। वॉट टाइप ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2? Q1 और Q2 कैसा होगा? वॉट टाइप ऑफ चार्जेस आर Q1 एंड Q2 एंड राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 एंड Q3 इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? यानी किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, किसका कम होगा, किसका सबसे कम होगा, हम लोगों को ये बताना है, ठीक? तो भैया पहला ऐसे है कि आप ग्राफ देखिए ध्यान से, ग्राफ क्या दे रखा है आप लोगों को, ठीक है? दिख रहा है? तो इधर हो गया फोर्स, इधर हो गया वन अपॉन आर स्क्वायर। अगर Q2 पॉजिटिव है तो डेफिनेटली Q1 भी पॉजिटिव रहा होगा, तभी तो ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अरे भाई, तभी तो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? वाई वाला भी पॉजिटिव होता है, एक्स वाला भी पॉजिटिव होता है। अगर Q2 पॉजिटिव है तो डेफिनेटली Q1 भी पॉजिटिव रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव से करकर जब पॉजिटिव आएगा तभी तो फोर्स हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा?
Q1 कैसा है और Q2 तो उसने हमें गिवन दे ही रखा था कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, आ गया समझ में, पक्का, ओके। यहां ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्स की वैल्यू रहेगी नेगेटिव, क्या रहेगी, अब Q2 तो पॉजिटिव है, एक चार्ज तो पॉजिटिव है, तो फोर्स अगर हमारा कंप्लीटली फोर्स नेगेटिव है, फोर्स तो हमारा नेगेटिव है और एक चार्ज भी हमारा पॉजिटिव है, तो दूसरा चार्ज कैसा होगा, पक्का नेगेटिव होगा, पॉजिटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव में करेंगे तभी तो नेगेटिव आएगा, तो Q1 का नेचर पॉजिटिव और Q3 का नेचर, बताओ जल्दी से, समझ में आया नहीं है, पक्का, ओके। अब उसने हमें क्या कहा है, उसने हमें कहा मैग्नीट्यूड बताना है, क्या बताना है, चलो भैया अब हम बताते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये वाला जो ग्राफ है ये Q1 और Q2 के लिए है और ये ग्राफ हमारा किसके लिए है, Q2 और Q3 के लिए है, ठीक है। अभी हमने जस्ट एक बात पढ़ी थी भाई, क्या पढ़ा हम लोगों ने, अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बात यहां ना करें, ये बताओ वाई एक्सिस पर कौन है और एक्स एक्सिस पर, तो फोर्स अपॉन 1/r² इज कॉल्ड स्लोप, होगा या नहीं होगा, पक्का, ठीक है। अब मुझे ये बताइए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 इंटू 1/r², के का मतलब 1/4πε0 से है, तो ये तो हो गया हमारा कौन से एक्सिस पर, ये कौन से पर हो गया, ये इसके अपॉन में आ गया, ये क्या हो गया हमारे पास में Q1 Q2, अरे हुआ या नहीं हुआ, y/x को हम कहे का नाम देंगे, यानी जिसका एंगल ज्यादा उसी के लिए प्रोडक्ट भी ज्यादा, जिसका एंगल ज्यादा होगा उसी के चार्जेस का प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, समझ में आ रही बात, जिसका एंगल ज्यादा होगा उसी के चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा होगा, तो भाई एंगल किसका ज्यादा है ये बताओ आप मुझे, एंगल किसका ज्यादा है, ये एंगल ज्यादा है और ये एंगल क्या है, ये वाला एंगल मैं इसलिए माप रहा हूं क्योंकि ये जो ग्राफ नीचे जा रहा है सिर्फ नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, नहीं तो एंगल एंटी क्लॉक वाइज मेजर किया जाता है, तो मैं यहां सिर्फ इस इधर का माप रहा हूं, किसका एंगल ज्यादा है, ऊपर वाले का और नीचे वाले का क्या है कम, तो हम कहेंगे Q1 Q2 ग्रेटर देन ऑफ Q2 Q3, नहीं आया समझ में, Q2 से Q2 क्या बचा हमारे पास में, Q1 किससे बड़ा है, Q2 के बारे में हम नहीं बता पाएंगे, हम सिर्फ Q1 और Q3 के बारे में बता पाएंगे, बस ठीक है, फिर वो सबसे छोटा कम हो गया भाई, उसने अगर क्वेश्चन में दिया है कि लीस्ट है तो इसका मतलब Q2 क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया, सबसे बड़ा कौन हो गया, फिर कौन हुआ और सबसे छोटा कौन हुआ, नहीं आया समझ में, जल्दी से बोलो, दोबारा से बताऊं या आगे समझ में, अच्छा अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसका मतलब दोनों चार्ज कैसे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो Q2 तो पॉजिटिव था, Q3 कैसा हो गया, एंगल किसका ज्यादा है इसका, तो इसका चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा होगा और इसके चार्जेस का प्रोडक्ट क्या होगा, कम, तो हमने लिखा Q1 Q2 ग्रेटर देन ऑफ Q2 Q3, Q2 Q2 क्या हो गया हमारा फिनिश, Q1 किससे बड़ा है Q3 से और Q2 हमारा लीस्ट है, तो Q2 हमारा सबसे कम हो गया, Q1 सबसे ज्यादा हो गया और Q3 हमारा बीच में आ गया, क्लियर, ओके, चलिए ठीक है, अब आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, बस सिर्फ दो सवाल हमारे पास में बचे हैं जो हम कल की क्लास में आपको कराकर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड।